जय हिंद बच्चों, मैं परवेज खान। आज हम बात करेंगे हिंदी का महत्व क्या है प्रतियोगिता परीक्षा में, और ये हर एग्जाम में आपका मेरिट स्कोर अच्छा बनाती है और आपका जो सिलेक्शन होने वाला है ये एक मुख्य भूमिका निभाती है। तो आज जानेंगे इसके बारे में किस किस एग्जाम में आपके हिंदी पूछी जा रही है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ही आपकी हिंदी आपका सिलेक्शन का एक आधार बनाती है। तो बच्चा कौन कौन से एग्जाम में आपके हिंदी आने वाले हैं, बात करें यहाँ पे सबसे पहले यूपीएससी की, तो बच्चों इसमें एक एग्जाम होता है और वो एग्जाम अनिवार्य होता है। अगर आपके सभी पेपर में अच्छे नंबर हैं और आप हिंदी में फेल हो जाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं बच्चों स्टेट बीसीएस, जो सीसेट एग्जाम होता है जिसे हम बोलते हैं प्री, और उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, तो वहां पे आपके 20 से 25 क्वेश्चन हिंदी के देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप मेंस नहीं देंगे। उसी के बाद बच्चों बात करते हैं आरओ एआरओ में, तो आरओ एआरओ में बच्चों 60 क्वेश्चन आते हैं और उसमें कम से कम आपके अगर 55 से प्लस हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे आरआरबी, देखिए यहाँ पे बिल्कुल बहुत यूनिक बात है, यहाँ पे आरआरबी बैंक में 40 क्वेश्चन बच्चा हिंदी के आते हैं। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज आपके लिए चूज दी गई है, तो आप उसमें हिंदी भी कर सकते हैं। हिंदी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी है, ये आप याद रखेंगे। डीएसएसबी में तमाम जो भी एग्जाम है तो बच्चे यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, जो आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पर सीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी बीएसएफ, देखिए ये इंडिविजुअल निकलती है मिनिस्ट्री की वैकेंसी, जहां पर आपका हिंदी के अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। और स्टेट सब इंस्पेक्टर, देखिए एमपी सब इंस्पेक्टर हो, उत्तराखंड हो, यूपी एसआई हो, तो यहाँ पर सभी में हिंदी का बहुत रोल है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करें यूपी ट्रिपल एससी, देखिए उत्तर प्रदेश में जो तमाम परीक्षाएं होती हैं सभी में हिंदी अनिवार्य है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से आप अपनी पैट की तैयारी करेंगे, और लेखपाल है, सेक्रेटरी है, जूनियर असिस्टेंट है, सभी एग्जाम आप यहाँ से देंगे, वन विभाग है। आगे बात करते हैं बच्चों ऑल टीचर्स एग्जाम, सभी जो टीचर्स की वैकेंसी निकलती है केवीएसएस टेट सुपर टेट, तो सभी में हिंदी पूछी जाती है। तो बच्चों आपको क्या करना है मेरिट लिस्ट में नंबर लाने के लिए, तो आपको स्कोर हिंदी में बच्चा 95% प्लस लाना है। अगर इससे आप कम लाते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर आने की संभावना कम हो जाएगी। बात करें यहाँ पे इसे कवर कैसे करना है बच्चों, मात्र 3 महीने में आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, 3 महीने में आप इसे 95% प्लस नंबर ला सकते हैं और हमारे साथ जुड़ जाएंगे आप, 3 महीने में कंप्लीट करा दिया जाएगा आपका कोर्स। आगे बात करते हैं बच्चों आपको क्या क्या मिलने वाला है आपकी स्टडी के लिए, आप अच्छा अध्ययन कर सकें। तो साथ ही उसमें बच्चों ऐप में मुफ्त पीडीएफ मिलेगी जिससे आप अपना लर्न कर सकते हैं, निःशुल्क अध्ययन सामग्री है, और बच्चों जो पिछले वर्ष के पेपर हैं सभी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और यहाँ पे संदेह सत्र है, जो आपका डाउट है तो यहाँ पे संदेह सत्र चला जाएगा जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट बच्चों हर रविवार को आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपको पता चल जाए प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न किस तरह से आते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अब आपको ये ऐप लेना कैसे है, तो आपको क्या करना है बच्चों प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे वहां पे जाके लिखेंगे आप विमर्श लर्निंग, विमर्श लर्निंग के बाद हमारा लोगों के साथ आपको वहां पे ऐप मिलेगा, इसे डाउनलोड कर लेंगे और अपने नंबर से रजिस्टर्ड कर लेंगे, वहीं पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और बच्चे कोर्स आपको कितने में मिलने वाला है, मात्र 299 रुपए में, देखिए इसकी कीमत रखी है 599 रुपए। अगर आप कूपन कोड का प्रयोग करते हैं खान 2025 तो यहाँ पे आपको छूट मिल जाएगी, यानी कि 50% की आपको 299 में ये कोर्स मिल जाएगा बच्चा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हमारा हिंदी विषय का पाठ्यक्रम क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं, तो बच्चों ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप इसे प्रिंटेड भी कर लेना ताकि जो आपका टॉपिक हो जाए उसे टिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा का इतिहास है, प्रसिद्ध कवि लेखक है, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, पत्र लेखन, तो यहाँ पे सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और सभी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है बच्चा, प्रिंटेड कर लेना है। देखिए यहाँ पर सभी टॉपिक दिए गए हैं, क्रिया विरक्ति पक्ष संधि उपसर्ग प्रत्यय वचन कारक लिंग अवर्तनी अव्यय निपात वाच्य काल, ये सभी टॉपिक आप कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।